ज्ञानवापी मामला जिसकी चर्चा इन दिनों जोरों पर है, हर कोई परिसर का रहस्य जानना चाहता है। हाई कोर्ट के आदेश पर पूरे परिसर का लगातार सर्वे जारी है, लेकिन इस बीच हिंदू पक्षकार हरिहर पांडे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने परिसर के अंदर हिंदू देवी देवताओं की बात की है। ज्ञानवापी मुक्ति के लिए सन 1991 में कोर्ट में पहला केस दाखिल करने वाले हरिहर पांडे ने पूरे दाव के साथ कहा कि परिसर में उन्होंने 1991 में कमल का फूल, हाथी, त्रिशूल और शेर देखा था। हरिहर पांडे ने बताया, मेरे हाथ में उस वक्त कैमरा था, लेकिन उन्हें फोटो खींचना नहीं आता था, लेकिन आज वही सारे साक्ष्य सामने आ रहे हैं। काशी ज्ञानवापी मंदिर में रात भर चक्रमण करता रहा। मैंने आपको बताया, कमल का फूल मैंने पाया, हाथी पाया, शेर पाया, त्रिशूल पाया, तमाम चित्र मुझे। तो बताए ना कि अज्ञानता थी। हमारे हाथ में एक छोटा कैमरा जरूर था, लेकिन हम फोटोग्राफी कर नहीं पा रहे थे, हमको आता ही नहीं था, तो हम अपने हाथ से बनाते थे सब। हरिहर पांडे ने बताया कि वो अपने केस के लिए सबूतों को इकट्ठा करने के लिए उस वक्त मंदिर परिसर में गए थे, जहाँ उन्होंने जो जो देखा उसे मानचित्र पर बनाया। बड़ी संक्रमण झेलते हुए मैंने उस अपने मंदिर में प्रवेश किया रात को। उसका जितना भी मुझसे हो सका मैं फोटोग्राफी भी लिया, हाथ से चित्र भी बनाया, और पूरा जितना हमारे परिसर में वो मस्जिद घेर कर बनाए हुए उस मस्जिद का निरीक्षण भी मैंने किया, उसका हाथ से मैं मानचित्र भी बनाया। हरिहर पांडे बोले कि अब समय नजदीक आ गया है, सच जल्द सामने आने वाला है। उन्होंने बताया, वो परिसर में भगवान शिव का दर्शन करने जाते थे, इसलिए वो ज्ञानवापी परिसर को मंदिर में देखना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने केस किया था। जब हम जाते थे बाबा का दर्शन करने के लिए, मैं आपको बता दूं, यह मुंह से कहने की क्या आवश्यकता है, मैं शिव का अपने आप को अनन्य भक्त कैसे कहूं, लेकिन यह है कि फलस्य तिथि विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षणम, द्वितीयम श्रद्धा युक्तम, तृतीयम गुरु पूजनम, चतुर्थो समता भाव, पंचमेंद्रीय निग्रह, षष्ठम प्रतिमाहारो, सप्तम नयो विदिते। मुझे भगवान शिव में विश्वास है, मुझे अपने आराध्य में विश्वास है, मुझे अपने भोलेनाथ में, आशुतोष में विश्वास है, तो उनके लिए मुझे कुछ भी करना हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हरिहर पांडे ने कहा, कोर्ट का फैसला मुस्लिम पक्ष को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सच है तो सामने आएगा ही, हमारा देश हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही। कोर्ट की अवहेलना पूरी पूर्ण रूप से अवहेलना है, लेकिन अशक्तम परम साधु कुरूपा पतिव्रता, इनकी मजबूरी है, इनको मानना ही पड़ेगा, इनकी मजबूरी है, ये मानेंगे। ये अरब कंट्री नहीं है, हिंदुस्तान है, और जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।